उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल खैरियत का अलहमद लेगा। आज आप लोगों को पतीली के अंदर स्पंज बनाना सिखाऊंगा। स्पंज जो माशाल्लाह तीन चार वीडियोस मेरी भी मौजूद है, शेफ अशर मफूर की भी वीडियोस मौजूद है। स्पंज बनाने का मकसद क्या है कि आप लोगों को पतीली में सिखाना चाहोगे। पतीली में जो अभी तक मेरे पास काफी मेरे जो स्टूडेंट है सब पतीली में एक दफा वीडियो जरूर बनाए और मैं उस हवाले से आप लोगों की वीडियो बनाना चाहता हूँ। पतीली के अंदर क्या करेंगे, ये स्लाइड ऐसा स्टैंड होता है, ये स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। बोर्ड आप सब लोगों के पास मौजूद है 8x8 9x9 का, ये सांचे जिसमें हम ऑलरेडी स्पंज बनाते हैं। मेरे पास ये हॉट प्लेट है, मैं इसके ऊपर बनाता हूँ। इसके ऊपर हॉट प्लेट के ऊपर नॉन स्टिक पैन वगैरह रखा जाता है। हमने क्या करना है कि ये ऑन है और हमने इसके अंदर इसको रख के जब तक हम स्पंज बनाएंगे तब तक हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। 6 अंडे का स्पंज जो पहले बना चुके हैं, 150 ग्राम मैदा 150 ग्राम चीनी स्टार्ट करेंगे। स्पंज बनाते प्रॉपर टाइम बताऊंगा, क्लॉक मेरे पास मौजूद है, प्रॉपर टाइम बताऊंगा कि कितनी देर में हम स्पंज पकाते हैं। प्रॉपर टाइम बताऊंगा आपको, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट एक एक चीज आपको बताऊंगा आज, ताकि आप लोग जब घर पे बनाए तो आपको परेशान ना होइएगा। 6 अंडे बोल्ड लेते स्टार्ट करते हैं और मैदा और चीनी हमारे पास मौजूद है। 6 अंडे हमने मिक्सर में डाल दिए, 150 ग्राम चीनी, थोड़ा सा वनीला एसेंस भी इसी के साथ ही ऐड कर देता हूं। अब इसको फ्लफी करते हैं। फ्लफी करने के बाद फिर इसके अंदर मैदा वगैरह ऐड करके और आप लोगों को बताता हूँ पतीली किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके अंदर मैदा हाथ से मिक्स करेंगे, ये फ्लफी हो चुका है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैदा। और इसके अंदर जैसे कि मेरी वीडियोस में आपको पता है कि मैदा हाथ से मिक्स करता हूं, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और हाथ से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से इसके अंदर मैदा मिक्स करना होता है, फिर हाथ से इस तरीके से इसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर कहीं मैदा तो मौजूद नहीं है। अगर मैदा मौजूद है, आपको दिख रहा है कि इसके अंदर मैदा, तो एक दफा दोबारा इसे हाथ घुमा लें। अब इसको हम मोल्ड के अंदर इस तरीके से डाल देते हैं। दो सांचे बने 6 अंडों के अंदर, 2-2 पाउंड के ठीक बनेगा ये। एक को हम इसमें पकाएंगे और एक को हम ओवन में पकाएंगे। इसमें आपको इसलिए बता रहा हूँ बात, जो घर में आप लोग बेकिंग करते हैं पतीलों के अंदर किस तरीके से, एक को मैं ओवन में पकाऊंगा और एक को मैं इस पतीली में पकाता हूँ। चले ये इसके अंदर रख दिया। अब इसके साथ में इसका टाइम आप लोगों के साथ इसका टाइम लगाता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर ये कितनी देर में पकता है। ये टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, ये यहाँ टाइम रहेगा और प्रॉपर आप लोगों को बता दूं कि कितने टाइम के अंदर हम इसके अंदर बेक कर सकते हैं। चलिए जी, स्पंज हमारा तकरीबन ऊपर से जो मुझे ये दिख रहा है तकरीबन ये रेडी है। इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका ये, एक स्टिक लें और इसके अंदर ऐसे डिप करें। अगर ये गीली निकलेगी तो समझ लें कि स्पंज कच्चा है, लेकिन ये पक चुका है। टाइम देख लें आप, पूरे 45 मिनट के अंदर ये स्पंज पका है। अब इसको निकालते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। ये हमने स्पंज पकाया था ओवन में और ये अभी हमने आपके सामने पतीली में पकाया। दोनों में 19-20 फर्क होगा, क्योंकि ओवन में पक रहा है और पतीली में पक रहा है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 19-20 फर्क होगा, क्योंकि एक चीज पक रही है 19 से 20 मिनट में और एक चीज पक रही है तकरीबन 45-45 मिनट के अंदर, तो 19-20 फर्क होना चाहिए। अभी ये ठंडा होता है, आपको काट के दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी ठंडा है, ये आपको काट के दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये ठंडा होता है, ये काटते हैं। चलो ये भी आपको दिखाता हूँ, ये स्पंज ठंडा हो गया, इसको भी काट के दिखा देता हूँ आपको, जो हमने पतीले में पकाया है। ये देख, दोनों का रिजल्ट सेम ही है, 19-20 का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि जब भी हम पतीली के अंदर, दोनों का रिजल्ट सेम है और एक चीज और क्लियर कर दूं, जब भी आप पतीली में कोई भी चीज पकाएंगे तो इसका जो ढक्कन है काफी भारी है, इसके ऊपर फिट हो गया है। अगर आप पतीली में पकाएंगे, या तो आपने पतीली के ढक्कन पे लाइक इस तरफ आपने कपड़ा रखना होगा, या न्यूज़पेपर को गीला करते हैं जैसे थोड़ा सा न्यूज़पेपर रखे, ताकि इसकी जो भाप होगी ना, जो स्टीम होगी वो बाहर ना निकले, तो प्रॉपर एक टाइम से मतलब आपका स्पंज पक जाएगा। अगर ये चीज आप नहीं करेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर वसन नहीं डालेंगे तो क्या होगा,
कि उसकी बाहर जो स्टीम होगी वो बाहर निकलती रहेगी, चीज क्या होगा कि सूख जाएगी, सही से पकेगी नहीं। ये पतीली में पकाने का एक तरीका है, ठीक है। जो आज मैंने पकाया आप लोगों को दिखाया, दोनों में फर्क क्या है, दोनों सेम ही पके, 19-20 का फर्क है। एक चीज 19 मिनट में पकी है और एक चीज 45 मिनट में पकी है। आपने जब भी कोई चीज को पकाना हो आपने उसके ऊपर वजन डालना होगा ताकि उसकी स्टीम बाहर ना निकले। टाइम देख लीजिएगा प्रॉपर, और जो मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया, एक स्टिक से आपने उसके अंदर से डिप करना और देखना है। अगर स्टिक गीली होगी तो समझ लेंगे थोड़ा सा कच्चा है, फिर आपको थोड़ा सा और टाइम दे। अगर जो स्टिक बिल्कुल सूखी निकलेगी तो ऑलरेडी वो पक चुका है। कोई भी इस स्पंज के हवाले से कोई भी ऐसा सवाल जो आप लोगों को ना समझ में, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, और कोई भी इक्विपमेंट वगैरह के हवाले से कोई भी चीज आपको चाहिए देखा उसको कॉल करें। इंशाल्लाह ए टू जेड सब सामान हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह, और आप हमसे मंगवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, फी अमानेला, अस्सलाम वालेकुम।